आठ, कुआं एक, घाट आठ, और पानी पीकर देखना आठों घाट का पानी का स्वाद अलग अलग है महाराज। अब पानी भी तो एक ही होगा उसके अंदर, जब कुआं एक है, बावड़ी एक है, और उस कुएं में पानी भी एक ही होगा, घाट आठ बनाने से क्या होगा, परंतु इस कुएं का, इस कुएं के इस घाट का पानी पियोगे तो इसका स्वाद अलग है। अगला वही पास में से आप बाल्टी खींच कर पियोगे उसका स्वाद अलग है, फिर वहां का घाट का पियोगे उसका स्वाद अलग है, आठ घाट बनाए हुए। तो कहा काय के लिए आठ घाट है, शंकर भगवान धन्वंतरी जी से कहे हैं, धन्वंतरी तुम वेद हो, तुमने सारी औषधियां इसमें डाल दी है, अब इन औषधियों का जल जो जिस भाव से ग्रहण करेगा, ये औषधि का जल उस भाव में आकर उसको फल प्रदान करेगा। महाराज उदर से जुड़ा हुआ जितना रोग होता है, उदर से जुड़ा हुआ जितना प्रॉब्लम होता है, श्री धन्वंतरी कुएं का जल मात्र ग्रहण कर लेने से जीव के सारे रोग समाप्त हो जाते हैं, सारे रोग। धन्वंतरी को शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी ने दर्शन। महाराज आठ घंटे